अभी चुनाव तो बहुत दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज चुनाव का इन्होंने माहौल सा बना दिया है। और जिस तरह का चुनाव तो बहुत दूर है मैंने कहा, लेकिन माहौल इन्होंने बनाया और माहौल में आप शामिल हो गए, इसके लिए मैं आपको लख लख धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या हमने कोई अगर मैंने काम नहीं किया होता, मैंने कुछ नहीं किया होता आपके 5 साल के काम का कार्यकाल में, मैं सड़कें बनाई होती, मैं बिजली पहुंचाई होती, मैं बिजली घर बनाए होते, मैं स्कूल कॉलेज बनाए होते, डिग्री कॉलेज का उच्चीकरण नहीं किया होता, डिग्री कॉलेज पे पीजी के रूप में उसको आगे नहीं बढ़ाया होता, क्लासेज नहीं खुली होती, सब्जेक्ट नहीं खुले होते, पटनी कॉलेज नहीं खुले होते, तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा माहौल बना दिया कि सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है इस बार आ रही है कि आप यहां आए क्यों, क्यों आपने विकास किया, हमें अपने हाथ पांव तो ऐसे ठीक थे कि क्यों किया आपने विकास, क्यों किया जनजाति के लोगों की बात, क्यों कर रहे हैं आप अनुसूचित जाति के समाज की बात, क्यों कर रहे हैं आप पिछड़े वर्गों की बात, क्यों कर रहे हैं आप कमजोर तबके की बात, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे लोगों की बात, पिछड़े मजदूरों की बात, उनको जीने का हक नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ये आपने आपका गुनाह कर दिया, इसलिए आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहां के आवाम ने इस प्रदेश राजपुर की विधानसभा के आदरणीय मतदाताओं ने, भैनों ने, गरीबों ने, कमजोर लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, सबने एक साथ होकर हमारा पीछे खड़े हो गए, ऐसे बड़े चीज मैं भूल भूल सकता हूं, कभी नहीं भूल सकता। जो लोग साथ थे वो छोड़ के चले गए, जो साथ नहीं थे वो हमारे साथ आ गए, और आज मैं आपके शहर से फिर आया हूं सेवा करने के लिए। मुझे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब हमारे हाथ कमजोर हो जाएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य ग्रामों में 1.53 करोड़ रुपयों की विभिन्न विकास परक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सर्वजन का विकास करने का चरित्र रखती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जन सरोकारों से जुड़ने और उन्हें पूरा कराने की इच्छा शक्ति को बनाए रखने की भी बात कही। श्री आर्य आज बाजपुर आए हुए थे। उन्होंने ग्राम बेरिया दौलत क्षेत्र के आसपास तमाम बुक्सा बाहुल्य ग्रामों का दौरा किया और वहां पूर्व में किए गए अपने वायदे को निभाते हुए ग्रामीणों की सुविधा के लिए 1.42 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 11.50 लाख रुपए की विभिन्न विकास पर आंतरिक मार्गों का शिलान्यास कर ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। श्री आर्य सर्वप्रथम बेरिया दौलत पहुंचे, जहां स्थानीय ग्रामीणों और खासकर जनजाति बाहुल बुक्सा लोगों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। वे सीधे पहले राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में 1.38 करोड़ रुपए की लागत से बने कक्ष और प्रयोगशाला निर्माण को देखने पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों को शिक्षा के इस मंदिर की गुणवत्ता को बनाए रखने के निर्देश दिए। वे बेरिया पहुंचे और वहां उन्होंने 60 लाख रुपए से बनाए गए बुक्सा विकास परिषद के नए भवन तथा 32.92 लाख रुपए से परिसर में बनाए गए सामुदायिक भवन बारातघर का लोकार्पण किया। वे बाद में बन्नाखेड़ा सानी भी गए, जहां उन्होंने 32.92 लाख रुपए के बनाई जा रही PVGT योजना के तहत बनाए जा रहे सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। ग्राम हरसान के रामपुरा में भी गए और वहां उन्होंने 9.50 लाख रुपए तथा 6.14 लाख रुपए से बनाए गए CC मार्गों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम तोता बेरिया के ग्रामीणों की मांग पर तत्काल ही वहां पर 11.5 लाख रुपए कीमत से बनाए जाने वाले सड़कों का भी शिलान्यास किया। श्री आर्य वहां भारी संख्या में मौजूद ग्रामीणजनों से भी मिलते रहे, ग्रामीणों की परेशानियों को सुनने तथा उनके साथ उनका उचित निराकरण की नोटिंग भी साथ चलते अधिकारियों को कराते रहे। इस मौके पर श्री आर्य ने ग्रामीण महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं के लाभ दिलाए तो अधीनस्थों को उनकी पेंशन के कागज आदि तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के भी निर्देश दिए। श्री आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे समग्र हितों व आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए पुरजोर आवाज उठाएंगे तथा उसके लिए कार्य भी करेंगे।